हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नीट 2024 में केमिस्ट्री सिलेबस में क्या चेंजेज हुए हैं उसके बारे में आइडिया देने जा रहा हूं। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पहले बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, डैट मीन्स जो पहले सिलेबस था वो अभी भी है। तो डैट इज फर्स्ट वन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, डैट इज मोल कंसेप्ट, इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ है, राइट। सेकेंड इज इक्विलिब्रियम, दैट इज केमिकल एंड आयनिक, जैसे पहले था वैसे अभी भी है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। एंड केमिकल काइनेटिक्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। ये तीन चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, वो जो आपका रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो उसमें एक है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको गैसियस स्टेट के नाम से भी आप जानते हो, तो ये चैप्टर पूरा रिमूव कर दिया गया है। सॉलिड स्टेट, ये भी अब आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर रिमूव हो गया है। एंड सरफेस केमिस्ट्री भी रिमूव हुआ है, बट ध्यान देना है कि वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल के बारे में पढ़ना है, राइट। डैट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, अदरवाइज एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो चुका है। तो ये वो तीन चैप्टर हैं जो रिमूव हो चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री में सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल एंड लायोफिलिक सोल आपको पढ़ना है ना, वो चैप्टर जिसमें पार्शियल चेंजेज हुए हैं, राइट। तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या हुआ है, थोड़ा पार्ट ऐड हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे ऐड हुआ। ऐड क्या हुआ है, वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, डैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले जो हैं वर्सेज रेडियस आर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल, ये ऐड हो गए, राइट। थर्मोडायनेमिक्स में रिमूव हुआ है, क्या रिमूव हुआ है वो ध्यान से देखो। एक तो इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, वो रिमूव किया गया है, राइट। और एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो रिमूव हुआ है। तो बाकी चैप्टर वैसे ही, राइट, सिर्फ सम चेंजेज हुए इसमें, ये ध्यान देना है। सिमिलरली सॉल्यूशन चैप्टर में ऐड हुआ है, एडिशन क्या हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, राइट। तो इतना जो पहले सिलेबस था वो तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, यहाँ भी जितना था वो है ही, प्लस ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में ये हटाया गया, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एंड थर्ड लॉ आपको नहीं पढ़ना है। सिमिलरली रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ना है एक्सेप्ट कोरोजन, कोरोजन को आपको रिमूव किया गया है। नाउ कुछ नए चैप्टर या नए कंसेप्ट भी ऐड किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इसके बारे में जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। इंडिकेटर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे ऑक्जेलिक एसिड वर्सेज KMnO4, मोर सॉल्ट वर्सेज KMnO4, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है थोड़ा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, राइट, ये भी आपको पढ़ना है, जो ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में आ ही जाता है। एंड रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विथ H2O2 एट रूम टेम्परेचर, इसके बारे में भी आपको आइडिया लेना है। तो ये वो पार्ट है जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, ये ऐड हुआ है, न्यू एडेड इसीलिए लिखा हमने। ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे सम ऑफ द चेंजेज हुए हैं, आइदर कुछ पार्ट हटाया गया या कुछ पार्ट ऐड किया गया। ये वो चैप्टर हैं जहाँ पे कोई चेंज नहीं है, और ये वो चैप्टर हैं जो आपका रिमूव हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चैप्टर जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, डैट इज पीरियोडिक टेबल, राइट। केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चार चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ, जो पहले सिलेबस था वो अभी भी है। बट वो जो चैप्टर रिमूव हुए हैं, जो आपका हटा दिया गया, डैट इज एस ब्लॉक, मेटलर्जी एंड हाइड्रोजन, ये तीन चैप्टर आपके रिमूव कर दिए गए, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। वो चैप्टर जिसमें पार्शियल चेंज हुआ है, डैट इज पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में से कुछ पार्ट हटाए गए हैं, रिमूव्ड, आप देख सकते हो, जो है कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के जो कंपाउंड है उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके कैसे बनाएंगे उसको नहीं पढ़ना है, और प्रॉपर्टीज एंड यूज उसके नहीं पढ़ने, राइट। तो ये पार्ट सिर्फ हटाया गया, बाकी पूरा पी ब्लॉक आपको पढ़ना है, 13 to 18 पूरा ही आपको पढ़ना है। वो पार्ट जो एडेड हुए हैं, न्यू एडेड पार्ट में आपको मोर सॉल्ट एंड पोटास एलम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड सॉल्ट एनालिसिस, ये एक चैप्टर ऐड किया गया है
जिसमें आपको कैटायन में प्लस मतलब कैटायन में लेड प्लस टू, कॉपर प्लस टू, एल्युमिनियम प्लस थ्री, आयरन, जिंक, निकेल, कैल्शियम, बैरियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम, इन सब कैटायन के बारे में पढ़ना है। इनका एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ड्राई एनालिसिस भी करना और वेट एनालिसिस दोनों। तो सॉल्ट एनालिसिस करके एक चैप्टर है, उसमें ऐड किया गया ये। और एनायन में कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट एंड हैलाइड आयन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एंड नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान दो, चेंजेज बहुत कम हुए हैं, बहुत बहुत कम, क्योंकि मैंने लिखा क्या, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। इस बार ध्यान देंगे, डैट मीन्स सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कोई चेंज नहीं, आपको पढ़ना ही है। हाइड्रोकार्बन कोई चेंज नहीं, पूरा पढ़ना आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, डैट मीन्स एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, ये आपको पढ़ना ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, डैट मीन्स अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, डैट मीन्स अमाइंस, ये पूरा पढ़ना ही है आपको। तो ये सब पढ़ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। वैसे ही बायोमोलिक्यूल्स पूरा पढ़ना आपको, एंड प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पूरा पढ़ना है। तो ध्यान दे, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। वो पार्ट जो कम्प्लीटली रिमूव किया गया है, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। पॉलीमर, ये आपको नहीं पढ़ना है। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीन चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, राइट। कुछ नए ऐड भी हुए हैं, जिसमें है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये प्रेजेंट होंगे तो कैसे करेंगे, वही जो दुमस मेथड, जो एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा हैं, जिल्धाल मेथड, कैरियस मेथड, वो सब अभी आपको पढ़ना ही है। एंड डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिल, जो ऑलरेडी इसमें आ जाएगा, राइट, कंटेनिंग ऑक्सीजन वाले में, कार्बोनिल, अल्डिहाइड, कीटोन, उसी में आ जाएंगे, एंड अमीनो ग्रुप, इन सब के डिटेक्शन के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये पूरा एक मैंने आपको कंप्लीट आइडिया दिया है कि नीट 2024 में कौन कौन से चैप्टर अभी आपका है, कौन सा चैप्टर रिमूव किया गया है, किस में थोड़ा एडेड हुए, किस में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। तो आई होप आपको पूरा आइडिया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी केमिस्ट्री एकदम इजी रहे, राइट, आपको सब कुछ समझ में आए, तो मैंने पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर करके मैंने एक शॉर्ट वीडियो सब बना रखा है, जो सिर्फ कंसेप्चुअल ट्रिक्स पे बेस्ड हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।